सिटी के शिमला की SBI बैंक में नकाबपोश लुटेरों ने फायरिंग करते हुए बैंक को लूट लिया, लेकिन पुलिस ने घटना के आधे घंटे के अंदर ही लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार बिना नंबर के सफ़ेद अपाची बाइक पर हथियार सहित 3 नकाबपोश लुटेरे शिमला के SBI बैंक में घुस गए। लुटेरों ने छत के ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते हुए बैंक के अंदर जा घुसे। बैंक में रखे करीब 3 लाख रुपये फायरिंग करते हुए लूट कर दूधवा की तरफ फरार हो गए। इस दौरान बैंक के अंदर लुटेरों के साथ कैशियर व रुपये निकलवाने आ रहे फौजी की भी मुठभेड़ हो गई। फौजी ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फायरिंग की वजह से लूटने में कामयाब हो गए। लूट की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने तुरंत लुटेरों का पीछा करते हुए पूरे जिले में नाकाबंदी करवा दी और हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया। लुटेरों के लोकेशन के आधार पर पुलिस ने पीछा करते हुए हरियाणा की धनचौली के पास लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों ने पुलिस पर भी फायरिंग की, लेकिन भागने में कामयाब नहीं हो सके। घटना के समय बैंक मैनेजर व बैंक का गार्ड रुपये लेने के लिए खेतड़ी की मेन ब्रांच में गए हुए थे, जिसमें लुटेरों ने पीछे से घटना को अंजाम दिया। जब मैं केस लेकर जब दरवाजे के ऊपर था तो सबसे पहले उन्होंने 2 राउंड छत के ऊपर से फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद में मैं क्या किया, साइड में नीचे की तरफ लेट गया। लेटने के बाद में क्या किया, जब मैं बाहर भागा मैं चिल्लाओ चारों तरफ से हेल्प करने की कोशिश किया, लेकिन कोई आदमी हेल्प कराने के लिए बैंक की तरफ आगे नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, 2 आदमी बैंक के अंदर प्रवेश किया, एक बाहर खड़ा हो गया दरवाज़ा के ऊपर, पिस्टल 9mm ऑटो पिस्टल थी उनके पास में। उसके बाद में वो फायरिंग करते रहे लगातार, कम से कम रास्ते में 10 राउंड उन्होंने फायरिंग किया। फिर उनके पीछे बागा में 2-3 पत्थर फेंका, एक पत्थर भी उसके लगा, बाकी एक पत्थर साइड से निकल गया। लेकिन जो चारों तरफ आदमी बहुत खड़े थे वो कोई हेल्प कराने की कोशिश नहीं किया, आगे की तरफ में नहीं आए, और वो आराम से केस बैंक से लेके, और अपाची गाड़ी थी वाइट कलर की, उसके ऊपर कोई नेम प्लेट वगैरह नहीं था, और जो दूधवा की तरफ निकल गए थे। तो ये क्या कारण हो रहा है सर? ऐसे है कि मैं कैश लेने के लिए गया था 10:30 के आसपास, और मेरे गार्ड साहब, और उसके बाद में फिर हम खेतड़ी जैसे ही पहुंचने वाले थे तो वीरेंद्र का फ़ोन गया पीछे से कि बैंक लूट गया है। कोई यहाँ पर सुरक्षा की पहले से कोई व्यवस्था या कोई ऐसी थी? गार्ड साहब ही गार्ड दे रखे है, वो गार्ड साहब को कैश लाने जाते हैं तो उसको फिर साथ लेके जाना पड़ता है। कितना स्टाफ है बैंक में? बैंक में एक मैं मैनेजर हूँ, एक कैशियर है, एक गार्ड साहब है, एक वो एजेंसी का 4th क्लास लगा रखा है, 4 आदमी।